हाय, दिस इज श्वेता। कैसे हो आप सब? और आज मैं आपका फिर स्वागत करती हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक ड्रेस के साथ अलग अलग लुक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक शरारा पहना है वाइट, और ये शरारा मैंने अपने लोकल मार्केट से लिया था, कोई ऑनलाइन नहीं लिया था। तो इसका लुक दिखाऊंगी मैं आपको। इसके साथ मैं और तीन नए लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी एक ही ड्रेस में। कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ मेकअप में, कुछ ज्वेलरी में, कुछ लिपस्टिक में, हेयर स्टाइल में। तो कुछ चेंजेस करके हम अलग अलग लुक क्रिएट करके दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाली हूँ मैं आपका। और आई होप आज का वीडियो आपको मेरे बाकी वीडियो से थोड़ा डिफरेंट लगेगा, अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं अच्छा लगेगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपके व्यूज़ जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हो या उसमें कुछ कमी है, वो भी आप मुझे बताते रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रिंग, देखिए ये मैंने एक वाइट शरारा कैरी किया हुआ है, कॉटन का है, और ये मैंने यही लोकल मार्केट से लिया हुआ था। इसके साथ मैंने ये रेड क्लच कैरी किया है, रेड लिपस्टिक लगाई है शुगर की स्कारलेट, बाल खुले किए हैं, न्यूड हील्स पहनी है। और इसके साथ मैंने रेड क्लच इसलिए कैरी किया है क्योंकि मैं जो इयररिंग्स पहनी हूँ ऑक्सीडाइज, उसमें ना नीचे रेड पर्ल्स है, तो मैंने उससे इन तीनों को मैचिंग किया है। और इसके साथ ये रेड लिपस्टिक और रेड क्लच ना बहुत अच्छा लग रहा था। हाथ में मैंने ब्लैक मेटल की बैंगल्स पहनी हुई है और एक रिंग पहनी हुई है, ये भी ब्लैक मेटल की है। तो मैंने ये पूरा लुक इस तरह से क्रिएट किया। आप मुझे बताइए आपको ये लुक कैसा लग रहा है। मेकअप मैंने नॉर्मल ही रखा है, जो मेरे बाकी सारे लुक्स के साथ भी चला जाएगा, बस मैं लिपस्टिक चेंज करूँगी क्योंकि वो बहुत डार्क है, बहुत बोल्ड है, रेड इज़ अ बोल्ड कलर। तो रिंग आप देख सकते हो, इयररिंग आप देख सकते हो, नॉर्मल ही मैंने ये शरारा लुक क्रिएट किया। इसके बाद मैं आपको इसी शरारे की कुर्ती से ये लुक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। नीचे ना मैंने एक वाइट प्लाजो पहना हुआ है और उसके साथ ये वाइट क्लच लिया हुआ है हैंडबैग। इसके साथ मैंने ब्लैक मेटल का ये नेक पीस पहना है और ब्लैक मेटल के ही इयररिंग्स पहने हुए हैं। बाल मैंने इस बार हाफ बन बनाया हुआ है और हाफ बालों को खोला हुआ है, आप इसको भी देखेंगे। हाथ में मैंने कुछ नहीं पहना है क्योंकि अभी मैंने ऑलरेडी बैंगल्स पहने हुए थे, तो मुझे लगा थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। लिपस्टिक मैंने लॉरियल की रूल 1 लगाई है और रिंग्स भी मैंने नहीं डाली है। ये तो मैं जो आप देख रहे हो छल्ला, ये मैं ऑलवेज ही पहने रहती हूँ। बाकी ये मैंने इयररिंग भी राउंड वाले पहने हैं, थोड़ा न्यूड लुक क्रिएट करने की कोशिश की है। नेक पीस पहनना था इसलिए मैंने ये कुर्ती को ना ऊपर से पिन लगा दिया, क्योंकि वो ऊपर से ओपन थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। तो हील्स मैंने न्यूड ही रखी है क्योंकि वो ड्रेस के साथ जा रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मुझे लगा यही ठीक है। तो आप बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैंने ये तीसरा लुक भी एक और क्रिएट किया है इसी सेम कुर्ती के साथ, क्योंकि मुझे लगा कि एक और करके देख सकते हैं, तो मैंने ट्राई किया। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है मेरा थर्ड लुक। पहले मुझे आप इन दोनों को भी देखकर बताइए कि ये दोनों कैसे लग रहे हैं। एंड ये है मेरा थर्ड लुक। इसमें मैंने नीचे जीन्स डाली हुई है, हील सेम है, हैंडबैग चेंज किया है, ब्लैक इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो नेक पीस और ब्रेसलेट है इसमें ब्लैक पर्ल लगे हुए थे। इयररिंग भी मैंने ब्लैक और मेटल के टच में लिए हैं। लिपस्टिक सेम है, वही रूल 1 लॉरियल, और हाथ में एक ब्रेसलेट है, गले में नेक पीस है, इयररिंग्स हैं, और मैंने बन बना लिया है बालों का। तो ये था आज का वीडियो। आप मुझे बताइए कि आपको तीनों लुक में से कौन सा लुक अच्छा लगा, शरारा वाला, प्लाजो वाला या ये जीन्स वाला। मुझे तो तीनों ही अच्छे लगे क्योंकि मैं खुद थी उसमें। आप देखिए, आप बताइए कि आपको कौन सा गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों कैटेगरी रखिए, मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।